हेलो दोस्तों, मैं हूं उगल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूं डेटा स्ट्रक्चर्स एरे, इसका एक और नया लेक्चर। इसमें आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, मिसिंग नंबर इन एरे। ये क्लासिकल और एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखो बड़ा सिंपल सा है। मान लो ये अपने पास एक एरे है। ठीक है, ये जो हमारे पास एरे है, मैं सिर्फ सिंपली आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इसके अंदर हम इसका इंडेक्स डाल लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास इसकी इंडेक्सिंग और ये है हमारे पास खाली एरे। मान लो इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं कि यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, देन यहाँ पे लिखा है 6, देन यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है 8। ठीक है, तो अब क्या है ना कि हमारे पास सीक्वेंस वाइज हमने नंबर लिखे हैं। क्या सीक्वेंस वाइज? कि देखो यहाँ पे ना हमारे पास 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, क्या प्रेजेंट नहीं है? हमने ये चीज निकाल ली। एक सेकेंड, हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अच्छा हाँ, हमारे इंडेक्स में 6 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास 7 जो है कि हमारे टोटल एरे के अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भैया, देखो 7 मतलब 8 तक हमारे पास हमने लिख रखे हैं, तो हमको ये बताना है कि इसके अंदर भैया 5 मिसिंग है। ठीक है, क्या मिसिंग है? 5। कैसे बताएंगे ये और कैसे पता चलेगा कि 5 मिसिंग है इस एरे को? ये तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग उसके अंदर मतलब इनपुट के अंदर 1 से लेके कुछ भी एन पर्टिकुलर एन तक नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पे एन अपन ने 8 मान लिया, ठीक है, तो वो 8 तक नंबर है, उसके अंदर अपन ने देख लिया कि यहाँ पे 5 नहीं है। ये अपने को आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन उसमें बताएंगे कैसे कि हमारे पास 1 से लेके कुछ, मान लो एक दूसरा एरे लेता हूँ मैं, ये मैंने एक और एरे बना लिया है यहाँ पे, और इस एरे के अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर नंबर रख दिए कि 1 2 3 और यहाँ पे रख दिया अपन ने 5 और 6, ये उसकी इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, तो इससे अपने क्या पता लग रहा है कि देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 5 और 6, 4 नहीं है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास ये जो इसके कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इनपुट में हमारे पास क्या रहेगा, ये हमको कितने दिए हैं टोटल, 1 2 3 4 और 5, हमारे पास 5 एलिमेंट रखने की, साइज क्या रहेगा 5, उससे एक ज्यादा जो है हमारे पास अंदर इनपुट में नंबर रहेगा 6 रहेगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 रहेगा। तो मैक्सिमम नंबर जो है हमारा, हमको उसको निकाल लेना है पहले। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, एक इन सबको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास एक जो सम होता है, किसका? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये क्या चीज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या है यहाँ पे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है वो, हमारे पास एक फॉर्मूला है उसके लिए कि एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। कैसे पता लगेगा कि फॉर्मूला सही है, एक बार देख लेते हैं। एन की वैल्यू मान लो अपन ने मान ली 4। ठीक है, एन की वैल्यू हमने मानी है 4, तो भैया पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है टोटल, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास 10। यहाँ देख लेते हैं 10 आ रहा है, 4 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 गया, यहाँ पे आया 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। हाँ भैया, ये जो आपने फॉर्मूला बताया है एकदम बढ़िया है। ठीक है, चल रहा है, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इन सबका सम निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, उस सम में से अपने पास एन कितना दिया है, 8 मान लो, ठीक है, 8 तक दिया है, तो अपन क्या करेंगे, हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे कि हम 0 से लेके 8 तक का सम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसमें से एक एक नंबर इसको माइनस करते जाएंगे कि हमने 0 से 8 तक का टोटल सम निकाला, कितना सम आ रहा है अपने पास वो देख लेते हैं अपन। तो 8 इंटू 8 प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ से आ गया अपना ये 2 4 8 और 8 प्लस 9 9 4 36, तो आ रहा है अपने पास कितना, 36। हम क्या करेंगे, 36 में से इन सबको माइनस करते जाएंगे, एक बार करके देख लेते हैं। 36 माइनस 7 कितना हो गया, 29। ठीक है,
29 माइनस 3 कितना हो गया 26, 26 माइनस 1 25, 25 माइनस 4 तो ये हो गया 21, 21 माइनस 2 कितना हो गया 19, 19 माइनस 6, 19 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 13, 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 5, तो अपना मिसिंग नंबर था 5 और अपने को लास्ट में आके मिल जाएगा यहाँ पे 5, तो जो भी अपना वो सम आएगा उसको अपन रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको अपन एक बार अपने कंप्यूटर पे देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रन होगा। तो देखो दोस्तों, अब अपन ने उसका जो देखा है उसी के आगे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं। क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं, एक्चुअली अपन ना इंट फंक्शन बना लेते हैं, रिटर्न कर देंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम अपन रखेंगे मिसिंग नंबर्स, या फिर नंबर, एक ही नंबर ढूंढ रहे हैं ना अपन, तो इसका नाम रखेंगे हम मिसिंग नंबर, ठीक है। अब मिसिंग नंबर के अंदर भी अपने को क्या चाहिए रहेगा, एरे तो चाहिए ही रहेगा ना, उसी एरे का तो अपन निकाल रहे हैं कि क्या मिसिंग नंबर है उसमें से। अब मैंने बोला था एन चाहिए रहेगा, तो एन क्या है देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो अपने को चाहिए एन, जो कि है एरे डॉट एल ई एन जी लेंथ प्लस 1। क्या है, एरे डॉट लेंथ प्लस 1। एरे डॉट लेंथ क्यों बोला हमने, क्योंकि मान लो अपने पास जो एरे, ये देखो एरे अपने पास, तो इसमें 1 है, 2 है, 3, 4, 5 से 5 नहीं है, तो 6, 7 और 8 है, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि जितनी भी अपनी एरे की रेंज है, उस रेंज से एक ज़्यादा, उस रेंज से एरे मान लो अपना कितने साइज का है, 6 साइज, हाँ 6 साइज का, तो अपने को एक ज़्यादा लेना पड़ रहा है उससे, 6 साइज का है ना, एक बार देख लो, 7 साइज का एरे अपना, ठीक है, 7 साइज का एरे है, लेकिन अपना जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ तक है, 6 तक है, उससे एक ज़्यादा अपन ले लेंगे तो क्या होगा, अपने पास 8 साइज का एरे बनेगा, 8 साइज का एरे बनेगा तभी तो जाके वो, मतलब सॉरी सॉरी, हाँ तो अपने पास जो एरे है 7 साइज का है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एक और प्लस करेंगे, क्योंकि अपना जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है, एरे की जो लेंथ है उससे एक ज़्यादा है, 7 लेंथ है तो सबसे बड़ा नंबर अपना कौन सा है, 8 है, ठीक है, समझ आई थी बात। तो अपन ने क्या करा है, एन ले लिया, एन के बाद अपन क्या करेंगे, सम ले लेंगे, सम, एक सेकेंड, सम ले लेंगे हम। सम कैसे निकाला था अपन ने एन नेचुरल नंबर का, वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर लूप के अंदर अपन सम को माइनस कराते जाएंगे हर हर इस वैल्यू से, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, फॉर लूप लगा देते हैं, एंड आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, आई इज लेस देन एरे डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ देन आई प्लस प्लस। बस अब क्या करेंगे हम इसके अंदर से, अब फिर से सम इक्वल्स टू सम माइनस एरे ऑफ आई कर देंगे, ठीक है। तो जिस भी हमारे नंबर पे, जैसे कि अभी एडिटेड 2 पे है, सम हमने कितना निकाल लिया, इसका जो भी सम आएगा इस वाले फॉर्मूले से, उससे वो 2 माइनस कर देगा, देन 4 माइनस कर देगा, देन 6 माइनस, और जो लास्ट में बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इतना हो गया पूरी सब माइनस हो गया, उसके बाद जो सम बचा हमने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न कर दो सम, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं अपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे कर लेते हैं अपन इसको अपने फंक्शन को रन, मिसिंग नंबर, और ये हमारा फंक्शन हो गया रेडी, और ये रन, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया यहाँ पे हमारे पास, 5, क्योंकि मिसिंग नंबर अपना कितना है, 5, ठीक है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, इसके बाद अपना बस एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको देखेंगे एंड देन इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, और डेटा स्ट्रक्चर की पूरी सीरीज़ को फॉलो करिए, तो आपका जावा में डेटा स्ट्रक्चर कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।